आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि रात में और अकेले में ये कहानी ना सुने, इसको अगले दिन सुबह सुने और अपने एहसासों को मेरे साथ शेयर करें। अभिनेता पीयूष सुहाने आज अपने जीवन का एक अनोखा किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। वे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें इंडस्ट्री में वन टेक आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शोज में सभी तरह के किरदार निभाए हैं। हाजरी, क्या हाजरी? अरे हाजरी जज्जा, जैसे भगवान के दरबार में रोज मत्था टेकते हैं ना, वैसे हमारे जज्जे के दरबार में रोज मत्था टेकना ये एक बार। लेकिन जब बात नेगेटिव किरदार की हो तो वे अपने अभिनय से दर्शकों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जो अंगोरिया घी में तो सर कड़ैया में। तो आइए सुनते हैं अभिनेता पीयूष सुहाने से उनके जीवन का अनोखा किस्सा। ये घटना है 27 दिसंबर 1999 की, जब मैं फर्स्ट ईयर में था और हाफ ईयरली के एग्जाम हो चुके थे। दरअसल इस पूरे बैकड्रॉप में है सागर मध्य प्रदेश। अगर आपने नाम सुना हो तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, जहाँ पर लगभग 3000 लोग एक साथ पढ़ते हैं। पहाड़ों के ऊपर बसी हुई एक यूनिवर्सिटी है जहाँ घना कोहरा रहता है दिसंबर के महीने में, कड़कड़ाती ठंड और घना कोहरा। एग्जाम का आखिरी दिन था, आखिरी दिन से एक दिन पहले, मतलब आखिरी एग्जाम मान लीजिए कल है, तो आज की रात मैं और मेरा खास दोस्त ऋषि राज सिंह बैस, हम दोनों अपने कमरे में बैठे थे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और सोच रहे थे कि एक जूनियर की बहन की शादी थी सागर से 70 किलोमीटर दूर, दमोह नाम की एक जगह है वहाँ पर। और उस समय 90s के दौर में रोड जो मध्य प्रदेश की थी बहुत ख़राब और बहुत ही वाहियात किस्म की, मतलब आप 30 या 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो रात में 11:45 बजे ऋषि और हम डिस्कस करते हैं कि यार छोटे भाई की बहन की शादी है, हम लोग जूनियर्स को छोटा भाई कहते थे, तो जाना तो पड़ेगा और अगले दिन कल सुबह 8 बजे एग्ज़ाम था हम लोगों का। तो ये निर्णय किया कि एक काम करते हैं, चलते हैं, शादी अटेंड करेंगे और रात में 3-4 बजे वापस लौट आएंगे। ये बात है करीब 10:30 बजे की। हम लोग, मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी होंडा स्लीक, तो दोनों उस होंडा स्लीक पे सागर से दमोह के लिए निकलते हैं हॉस्टल से। एक ही ब्लैंकेट था, उसमें हम दोनों रैप होते हैं, मैं बाइक चला रहा होता हूँ, ऋषि पीछे बैठा होता है। और बड़ी ख़राब सड़क पे हम लोग लगभग 70 किलोमीटर 2 घंटे में तय करते हैं। बाइक थी इसलिए छोटी छोटी पगडंडियों पे भी स्पीड में निकाल लेते थे। दमोह पहुँचते हैं रात में 12 बजे, आधा घंटे शादी अटेंड करते हैं, बहन से मिलते हैं। अब वहाँ पर बड़ा प्रेशर हो जाता है इस बात का पूरे परिवार की तरफ से कि सुबह एग्ज़ाम है, तुम लोग एक काम करो, रात यहीं सो जाओ और सुबह निकल जाना। पर हम लोगों के दिमाग में था कि यार पढ़ा तो है नहीं, साल भर ज़्यादा तो कुछ पढ़ा नहीं, अब जो कुछ है वो आखिरी रात है, तो एक काम करते हैं निकलते हैं, अभी 3 बजे तक पहुँच जाएंगे, 3-4 बजे तक, और 2 घंटा पढ़ेंगे आराम से, या 2 घंटा सोएंगे और 6 से 8 पर पढ़ेंगे। रात में करीब 1 बजे मैं और ऋषि उसी स्लीक बाइक से वापस लौटना शुरू करते हैं और सागर दमोह के बीच में, दमोह से लौटते समय 30 किलोमीटर दूर एक घना जंगल आता है, बहुत घना जंगल जिसकी दूरी लगभग रोड की 15 किलोमीटर से अधिक है। और उस जंगल में घुसते समय आपको एक स्टीप पहाड़ी आती है, सीधी चढ़ान, उसमें गड्ढे सड़क पर, मतलब आप किसी भी सूरत में वहाँ पर 10 से ज़्यादा की रफ्तार पे गाड़ी नहीं चला सकते। रात के 2 बजे लगभग, अमावस्या 1 या 2 दिन पहले गुजरी होगी या शायद उसी दिन थी, घनघोर सन्नाटा। बाइक ऋषि चला रहे थे लौटते समय, मैं पीछे बैठा हुआ था, ब्लैंकेट से मैं रैप करा हुआ था अपने दोस्त को। तो जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं और एक्सेलरेटर देते हैं तो नेचुरली लाइट की बीम जो है वो तेज़ हो जाती है। तो गाड़ी मान लीजिए ऐसे चल रही थी तो बीम भी उसी की दिशा में ऊपर सड़क की तरफ, घाट की तरफ थी। तो बड़ी दूर, करीब मान के चलिए कि 1 किलोमीटर दूर तक वो बीम अपनी रेंज दे रही थी और पूरी सड़क पर कोई नहीं। आज भी मध्य प्रदेश की सड़कों पर रात के समय यदि आप गुजरेंगे तो बामुश्किल 25-30 किलोमीटर में आपको इक्का दुक्का गाड़ी कोई मिलेगी, अगर आप हाईवे पे नहीं है तो। और उस समय आज से 24 साल पहले तो बड़ी मुश्किल से लोग गाड़ी से निकलते थे, वो भी रात को 2 बजे, ठंड का समय, कड़कड़ाती ठंड, शायद 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा। तो बीम जो फॉग में से गहरा एक साया बनाते हुए जा रही थी, बड़ी दूर 1 किलोमीटर दूर एक साया सा उस बीम में नजर आया। अब वो साया इंसान का था ये तो समझ में आ गया, पर कुछ अटपटा लगा, रात के 2-2:15 बज रहे होंगे शायद।
कट्टू, ये ठंड का भी असर हो सकता है। हम लोगों को एहसास कुछ हुआ क्योंकि उस इलाके के बारे में बड़ी बातें सुनी थी, पर चूंकि जवान खून था डर नहीं लगता था और ये लगा सब बकवास है, कायर लोग ऐसी बातें करते हैं, तो उस एहसास को हम दोनों ने अपने मन में रहने दिया और बाइक आगे बढ़ाई। अब ये सब कुछ जो अगली घटनाएं हो रही हैं ये सब 5-5 सेकंड के अंदर की हैं। मतलब 5 सेकंड पहले उस बीम में वो व्यक्ति या वो साया 1 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा था, कट्टू 5 सेकंड बाद वो सीधा आधा किलोमीटर दूर, जबकि हमारी बाइक तो 5 या 10 की स्पीड पर चल रही थी, चढ़ाई थी। अगले 5 सेकंड में वो बीम जो साया था उसके ऊपर पड़ता वो 200 मीटर की दूरी पे बचा है। अगले 5 सेकंड में हमारी गाड़ी बाईं तरफ चल रही थी और वो साया दाईं तरफ था, सडनली वो हमारे लेन में आ जाता। ये सब कुछ 10 सेकंड का अंदर। और अगला जो 2 सेकंड के बाद का वक्त था वो हमारी जिंदगी के लिए अमिट छाप छोड़ने वाला था। 2 सेकंड बाद हम देखते हैं कि हमारी बाइक से सिर्फ 20 कदम की दूरी पर है, पूरी बीम उसके पूरे शरीर पर पड़ रही थी और हमारी बाइक ऋषि ने एकदम से फुल एक्सीलेटर दिया और सन्न से बाजू में निकाली, मेरे कान के पास से घुसाया, दूसरा चुप, बिल्कुल सन्नाटा। जिस रोड पर 10 या 15 की रफ्तार में कोई बाइक जा रही थी वहां 70 और 80 की रफ्तार पर ऋषि ने बाइक को दौड़ाना चालू किया। गड्ढों में उचक रही है, गिर रही है, गिरते गिरते बचे हम लोग, पर ना वो रोक रहा है ना मैं रोकने को बोल रहा हूं। 8 किलोमीटर वो गाड़ी इसी रफ्तार में भागी और 8 किलोमीटर घाट जहाँ खत्म होता है राइट हैंड साइड पर हैंडपंप के किनारे हनुमान जी का मंदिर था, लगभग गिरती हुई अंदाज में उसने बाइक मंदिर में घुसड़ा और गिर पड़ा। हम दोनों गिरे, बाइक गिरी, ठंड वंड गायब हो चुकी थी, पसीने थे पूरे, लत भत। मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, पट बंद था, पुजारी वगैरह कोई नहीं था। गहरी सांस ली और मैंने ऋषि से पूछा, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? ऋषि ने कहा, तुमने क्या देखा है? मैंने कहा, तुमने क्या देखा? उसने कहा, यार बॉडी पूरी लड़की की थी। मैंने कहा, पूरी नेकेड थी, कंप्लीटली नग्न, एक कपड़ा भी नहीं था उसके शरीर पर। जब तक वो 200 मीटर दूर थी और जब हमारे कान के बाजू से गायब हुई तो उसका सिर नहीं था। ऋषि ने कहा, सर नहीं था, और ऐसा नहीं कि वो लाइट में नहीं दिखा, मेरे बाजू से गुजरी है। किस्मत की बात थी कि हम लोगों ने पलट के नहीं देखा या घबराहट में वहां बाइक गिरी नहीं। बाद में पंडित जी उठे लगभग 3:30-4 बजे, उनको बताया तो उन्होंने कहा, बेटा कभी आना नहीं, ये 2-3 बार ट्रकों के एक्सीडेंट करा चुकी है, ये साया जो है कैबिन के अंदर बैठी दिखती और ड्राइवर अपना संतुलन खो देता है, अगर तुम लोगों ने गाड़ी रोक दी होती या गिर गए होते तो पता नहीं क्या होता। उन्होंने प्रसाद दिया, अपनी भागती हुई सांसों को हम लोगों ने जज्ब किया बैठे, और जब सूर्य की हल्की हल्की किरणें 5:15 पर निकलने लगी 5:30 पर रोशनी सोई, तब जाके हम लोग वापस सागर की ओर गए। तो ये एक अनोखा किस्सा मेरी ज़िंदगी का है, ऐसा जिसके साथ भी शेयर करता हूँ वो अपने किस्से बताना अपने आप चालू कर देता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि मैं ये बताऊँगा तो लोग मुझे पिछड़ा हुआ या शक की किस्म का ना माने। नहीं भाई, यदि परमात्मा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है, साधु हैं तो शैतान भी है। आप बिल्कुल शर्मिंदगी का एहसास मत करिएगा यदि आपके साथ भी कोई ऐसा वाक्य बीता हो। मैं चाहूँगा कि आप द चाणक्य के साथ शेयर करें, और मैं अपना यह अनोखा किस्सा द चाणक्य पर खास तौर पर लेकर आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपका किस्सा द चाणक्य के माध्यम से मुझे भी सुनने मिलेगा। नमस्कार।